बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्लेस माना जाता है और इसका जिक्र भारत के पौराणिक कथाओं में भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल उसके आसपास आने वाली सारी चीजों को निगल लेता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बरमूडा ट्रायंगल का ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी तीव्र है कि ये किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे हवाई जहाज गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये जगह बरमूडा, पोर्टो रिको, मायामी और बरमूडा के बीच में स्थित है। पहले के मुकाबले आजकल यहाँ पे हाथ से कम हो गए हैं और कुछ दूर तक अब साइंटिस्ट भी इसकी गुत्थी सुलझा रहे हैं। कोलोराडो के साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ हेक्सागोनल क्लाउड्स बनते हैं जो कि एयर बम जैसे फटते हैं। इनके फटने से एक तूफान उठता है जो किसी भी बड़े वस्तु को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, ताजमहल एक शिव मंदिर तेजो महलाए। ये बहस बहुत पुरानी है। ताजमहल जो कि एक प्यार का प्रतीक है और कई जगह पूरे भारत का प्रतीक हो जाता है, भारत को विदेशों में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तस्वीर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये भी अपने आप में एक रहस्यमय और विवादित मुद्दा है कि ताजमहल वाकई में एक मकबरा है या एक शिव मंदिर। अगर इसकी जांच पड़ताल करें तो दिल्ली के एक प्रोफेसर थे पीएन ओक, पुष्पेंद्र नागेश ओक, जो कि साथ में इतिहासकार भी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द ताजमहल इज अ टेम्पल पैलेस। उन्होंने इसमें बताया कि ये जो ताजमहल है, ये जो इमारत है, ये जयपुर के राजा जयसिंह के अधीन थी, जिसको शाहजहां ने जबरन उनसे हथिया लिया था और थोड़े से इसमें बदलाव करके मकबरे का रूप दे दिया था, और जिसके परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा कई प्रकार के सबूत भी दिए गए हैं। सबूत जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक गुप्त कमरा जो ताजमहल के नीचे है, ताजमहल के ऊपर स्थित जो कलश है जो कि हिंदू मंदिरों में जो विशेषता है कलशों की वो, और एक पच्चीकारी जहां पर आपको ओम की आकृति दिखाई देगी, ये ऊपर की तरफ इस पच्चीकारी में यहां पर ओम की आकृति आप देख सकते हैं, ये ताजमहल की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उस समय के जो इतिहासकार हैं उनमें से किसी के द्वारा भी ऐसी कोई घटना नहीं दर्शाई गई है जो कि इतनी बड़ी इमारत के बनने की बात कहती हो। साथ ही कार्बन डेटिंग जो पद्धति है उसके द्वारा भी ताजमहल की उम्र काफी पुरानी मानी गई है। नंबर 3, ट्विंस टाउन कोधिनी केरला। केरल में मल्लपुरम जिले में स्थित ये छोटा गांव लगभग 2000 परिवारों के लिए निवास है। ये असामान्य बात है कि इन परिवारों ने करीब 220 जुड़वा बच्चों का जन्म दिया है। एक आंकड़ों के मुताबिक कोधिनी में पैदा हुए जुड़वा बच्चों की औसत संख्या लगभग 6 गुना है। डॉक्टर कृष्ण श्री बिजू, जो एक स्थानीय डॉक्टर है और इस जुड़वा के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये मानते हैं कि गांव की भोजन की आदत एक कारण हो सकता है। कई रिसर्चर्स ने परिणाम प्राप्त करने की कोशिश की है लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है। ये अभी तक रहस्य बना हुआ है कि एक्चुअल में ये है भी या नहीं है, क्योंकि कोई भी इसे दावा करके नहीं कह सकता कि उसने इसको देखा है। अभी तक जो दावे हुए हैं इसको देखने के, 1935 में हांगकांग में इसकी पहली बार खोपड़ी मिली थी। साथ ही इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद और सामवेद में भी आता है। 1951 में जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए वहाँ पर एरिक सिम्पटन गए थे तो उन्होंने बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के पद चिन्ह भी देखे थे, और उन पद चिन्हों की तस्वीरें बहुत फेमस हुई बाद में और काफ़ी उस पर चर्चा भी की से बनी। 1953 में जो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने भी इसी तरह के बड़े बड़े पद चिन्ह देखे थे, और इसके बारे में तेंजिंग नोर्गे ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि उन्होंने ऐसे चित्र कई बार देखे हैं लेकिन उनके पिता ने 2 बार अपनी लाइफ में हिम मानव को देखा था। हालांकि तेंजिंग नोर्गे ने ये दावा नहीं किया कि उन्होंने देखा था, उनके पिता का दावा करते हैं कि उनके पिता ने इसको देखा था। तो ये अभी भी वाकई में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि वाकई में हिम मानव होता है या नहीं होता। 5, कानो क्रिस्टल्स। ये एक मिस्टीरियस लेक है जो कि कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पे पानी का रंग गर्मियों के मौसम में लाल हो जाता है। इस जगह पे काफी सारे दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं दुर्लभ प्रजातियों की वजह से ये लेक का रंग लाल है। क्या आप कोलंबिया में ये जगह देखना चाहेंगे?